violence and discrimination is also rampant in metropolitan cities that apparently have high literacy. Thank you, Director Ma'am. It's always a treat to listen to you, and thank you also for instilling that sense that doing laundry, cooking, washing clothes, doing other odd chores home, they are morally neutral. I've seen women, and research also indicates that when women are not able to do these gender-specific tasks, that they are morally neutral. There is no points that they gain for them. They tend to get better. So let's express our gratitude and appreciation and love to our में है आज का जो ये दो दिन का वर्कशॉप है जेंडर ऑडिट्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैसे हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करें अपने इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो विमेन एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हों या हमारे क्वाड इंस्टीट्यूशंस हों। जेंडर ऑडिट का मतलब ये है कि हम ये ना सोचें कि जो औरतें हैं अब वो सिम्बॉलिकली वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेकिन हम चाहेंगे औरतों की ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैनेजरियल पोजीशंस पे हो। फिर हम ये देखें हमारे इंस्टीट्यूशंस इक्वालिटी के बहुत से मेजर्स होते हैं, सिर्फ ये मेजर नहीं होता है कि हम इंस्टीट्यूशन को जो बहुत इंपॉर्टेंट है ICC हर एक जगह है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जहाँ हमारे कॉलेजेस में या वर्क ऑर्गेनाइजेशंस पे हों, लॉ के तहत उनको हम हल करें, बिकॉज हमारी यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं। इक्वालिटी के मेजर्स जो हैं औरतों के लिए वो सारे पूरे हों हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कोएड इंस्टीट्यूट हो या लड़कियों का इंस्टीट्यूट हो।